हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के शर्मित। जैसा कि आप लोगों को बता दें, बरसात का मौसम है और गर्मी भी काफ़ी तेज़ पड़ रही है। ऐसे में सर्पों का निकलना लाजमी है। दूर दूर तक सूचनाएं आती हैं, आना जाना लगा रहता है जीव जंतुओं को बचाने के लिए। तो आज का रेस्क्यू कॉल आया है, ऐसे शंकर लाल कोल्ड स्टोरेज है ना भैया। ये ललईपुरवा और जो क्या नाम खुर्रमपुरवा के पास में है। तो इस कोल्ड में एक भैया ने सर्प देखा है। भैया आओ, किसने देखा था? इन्होंने कोई सर्प देखा है? सर्प है ये जो डेथ आलू पड़ा है, इसी में घुस गया है। तो इन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि ये पुनः फिर आना पड़ा एक बार, अभी यहीं से दो चार दिन हो गए। इंडियन स्पेक्टल कोबरा रेस्क्यू किया इन लोगों ने, बचाया था। तो आज देखते हैं सर्प कौन सा है, फिर बताते हैं उस सर्प के बारे में विशेष बातें। इन भैया इन सभी लोगों को दिल से सैल्यूट, इनके जज्बे को सलाम, जीव जंतुओं के प्रति दया रखने के लिए, पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो दिखाते हैं सर्प कौन सा है। बेबी कोबरा, ये कोबरे का बेबी है। जो पॉइजन होता है वो जन्म से ही डेवलप होता है इनके शरीर में। ये छोटे हो या बड़े, पॉइजन होता है। कैमरा एक बार पास करके दिखाओ। लोग का बच्चा कुछ करना ही था। देख सकते हैं ये इस समय डिफेंसिव मोड में है, अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं कितना प्यारा सर्प है, खूबसूरती देखते ही बनती है। ठीक है, इसको परेशान नहीं करना चाहेंगे, इसको लेके चलते हैं जंगल में पुनर्वास के लिए। यही सपेरा करते हैं, फिर ये कहते देखो बीन पे नाच रहा है। सर्पों के कान नहीं होते, इनको सुनाई नहीं देता। हिलाओ नहीं, कौन हिलाओ इतने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्किन फट जाती, इंजर्ड हो जाता बाहर से, तब दिक्कत थी। इसने कुछ खाया भी है। अभी नहीं पता कर दो। सब अपना अपना बचाव करते हैं। तो इस सर्प को बचाने का श्रेय इन्हीं सभी लोगों को जाता है। लोगों ने जैसे हम समय से आ चुके हैं, इसको रेस्क्यू कर लिया गया है। जीव
जिनको के प्रति, जैसा आप लोगों को बता दें कल की एक घटना झकझोर देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली घटना, एक सर बाइट हुआ, सर दंस हुआ था, आप लोगों को पता होगा यहाँ ग्राम जो ये पछायपुरवा था, तो 22 वर्ष का व्यक्ति था, समय जानकारी का कुछ अभाव भी था और ऐसे में उस व्यक्ति की कुछ लापरवाही भी रही, ऐसे में उस व्यक्ति की जान चली गई। तो प्रत्येक वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि जब सर पढ़ लेता है आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएँ, जिला अस्पताल जाएँ, उसी का सहारा लें, तभी आपकी जान बचे। ये सब बातों के साथ लेते हैं विदा, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। जब भी कोई प्राणिया सर निकलता है आप लोग दे रहे कॉन्टैक्ट नंबर, आप सिर्फ एक काल हमसे दूर रहते हैं और आपको लगता है ये जन्मजात शत्रु, ये हमारे पर्यावरण मित्र, ये शत्रु नहीं है। ये ऐसे जीवों को खाते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। चूहों का सातिर शिकारी सरपों को ही माना जाता है। ये सब बातों के साथ लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।